गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज पावर शेयरिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैं आपको एक चीज के लिए अश्योर करना चाहता हूं कि 10th जो है आपकी वन ऑफ द इजिएस्ट क्लास है, और आप इसमें आप बहुत सारी चीजों को, नई नई चीजें आप सीखते हो जो आपकी करंट में चल रही है, और यही सारी चीजें आपको जो आने वाला समय है आपका, जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब आप देंगे, यही चीजें आपको कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल भी होगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको सुने, और कोई भी ऐसी टॉपिक रह जाता है, कुछ भी ऐसा रह जाता है, हो सकता है बाय डिफॉल्ट मैं आपको नहीं वो समझा पाया हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्यारे बच्चों, मैं आपको उसके ऊपर दोबारा से कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगा। राइट, तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज पावर शेयरिंग। तो जब हम पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं, तो हम मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के तहत, जो आपको भी पता है, मैं आपको इस समझाने की कोशिश करता हूं। पावर शेयरिंग जो है प्यारे बच्चों, अगर हम एक स्कूल की बात करते हैं, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हैं और मैं एक स्कूल में टीचर हूं, तो एक स्कूल में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल होता है, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर उसके बाद पीजीटीज होते हैं जो 11th 12th को पढ़ाते हैं, फिर टीजीटीज होते हैं जो 6th to 10th को पढ़ाते हैं, फिर पीआरटी टीचर्स होते हैं जो 1st to 5th क्लास को पढ़ाते हैं, फिर क्लेरिकल स्टाफ होता है, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, तो ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो ये क्या चीजें हैं, ये पावर को कहीं ना कहीं शेयर किया हुआ है। हर काम प्रिंसिपल जो है वो नहीं कर सकता है, नहीं। तो इसलिए पावर शेयरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको अगर हम करते हैं तो उससे हम उसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं, और अगर हम पावर शेयरिंग को अच्छे से नहीं करते हैं, तो उसके क्या रिजल्ट हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप दो कंट्रीज को स्टडी करेंगे, एक यूरोपियन कंट्री है दैट इज बेल्जियम, और एक एशियन कंट्री है दैट इज श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका जो है आपको पता है ये हमारे बिल्कुल साउथ में है, और आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, श्रीलंका को टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ना, टीयर ड्रॉप है ना, मतलब आंसू, अश्क जिसको बोलते हैं, तो श्रीलंका को टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपने देखा कि पावर शेयरिंग जब हमने स्कूल के हिसाब से देखा, तो हम देखेंगे बेल्जियम में किस तरीके से पावर शेयरिंग की गई, और श्रीलंका में किस तरीके से पावर शेयरिंग की गई, और उनका क्या क्या रिजल्ट निकला। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि बेल्जियम है कहां, आपको ये तो पता चल गया कि यूरोप में, आपको पता ही है। तो इसकी लोकेशन के साथ में मैं आपको इसके बारे में, इसकी डेमोग्राफी के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। डेमोग्राफी और एथनिक ग्रुप बोथ आर सेम, है ना। इसमें एथनिक ग्रुप क्या होता है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कितने परसेंट हिंदू हैं, कितने परसेंट मुस्लिम हैं, कितने परसेंट सिख हैं, पारसी हैं, जब हम इसको स्टडी करते हैं, इसको मेजर करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एथनिक कंपोजिशन, राइट, या डेमोग्राफी। तो जब हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये कोशिश की है क्योंकि वर्ल्ड मैप में भी आप, क्योंकि आपको पता है यूरोपियन कंट्री काफी कंजेस्टेड है, तो ये जो रेड वाला एरिया है दिस इज बेल्जियम, ठीक है। इसके ऊपर जो है दिस इज नीदरलैंड, नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको हॉलैंडियंस भी बोलते हैं और डच भी बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है कि जो नीदरलैंड है जिसकी कैपिटल एम्स्टर्डम है ना, एम्स्टर्डम, और ये बेल्जियम के नॉर्थ में है, एन फॉर नॉर्थ और एन फॉर नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल जो है बड़ी, मतलब बोलते हुए भी अच्छा लगता है, एम्स्टर्डम। कहां घूमने चलेंगे, एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, और या इन जो यहां पे लोग हैं इनको डच भी बोलते हैं और हॉलैंडियंस भी बोलते हैं, राइट। तो ये इसके नॉर्थ में, जब हम इसके बिल्कुल इधर आप देखोगे ईस्ट साइड में, तो यहां पे एक लक्स लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना, लक्स, दिस इज लक्जमबर्ग। छोटी सी कंट्री और बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, काफी अच्छा इसका डेवलपमेंट, एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। तो लक्जमबर्ग की कैपिटल है लक्जमबर्ग, आई होप ये आपको याद रहेगी, है ना, आप इसकी लोकेशन भी देख लें। और आप इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि जर्मनी से भी जो है इसकी बाउंड्री टच हो रही है बेल्जियम की, राइट, ये जर्मनी यहां पर। ये जब मैं आपको बेल्जियम के बारे में इंडिविजुअली बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे 1% जो है जर्मन पीपल रहते हैं बेल्जियम में। और साउथ में जब आप आ जाओगे, ये दिस इज पूरा फ्रांस, और यानी कि बेल्जियम के साउथ में क्या है, फ्रांस, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ठीक है। तो और ये आपको पता है सारा मतलब समुद्र है, और ये फिर आपका इंग्लैंड आ गया, यानी यूनाइटेड किंगडम, ये मैंने जो ब्लू में कर रखा है पूरा है। और ये कंट्री कौन सी है, आयरलैंड, जिसकी कैपिटल क्या है, डबलिन। लेकिन हमें नेबरिंग कंट्री मेनली हमें याद रखनी है, ठीक है। तो चार कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम, नॉर्थ में नीदरलैंड, फिर हम उसके बिल्कुल ईस्ट में आते हैं तो लक्जमबर्ग, और बड़ा जो ईस्ट में दैट इज जर्मनी जिसकी कैपिटल है बर्लिन, और फिर हम फ्रांस साउथ में हम देखते हैं फ्रांस जिसकी कैपिटल है पेरिस, ठीक है। तो अब हम
हमने इसकी लोकेशन को जानने की कोशिश की। इसका जो साइज है प्यारे बच्चों, हरियाणा जो हमारा भारत का एक स्टेट है उससे भी मतलब उतना ही आप माने, उससे थोड़ा कम ही है इसका जो साइज है अगर आप साइज देखें। और जो हरियाणा की अगर आप जो टोटल पॉपुलेशन अगर आप देखते हैं तो दैट इज 2.5 करोड़, और जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, राइट। तो ये हमने जानने की कोशिश की उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसका साइज कितना है, और उसके आसपास की नेबरिंग कंट्री कौन सी है, और वो कोस्टल एरिया भी है उसके साथ में ना, एक तरफ उसके पानी है, समुद्र से वो टच है। तो ये मैंने कोशिश की है बनाने की बेल्जियम, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जब आप इसी मैप को दोबारा देखेंगे तो जो बेल्जियम है इसको दो रीजन्स में बांटा हुआ है ना, एक तो है फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश ये जो नॉर्थ वाला है, फ्लेमिश, फ्लेमिश यहां पर जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। क्यों बोलते हैं, आई होप यू, क्योंकि ये जो नीदरलैंड है यहां पे, यानी नीदरलैंड का यहां पे काफी असर है, तो डच स्पीकिंग पीपल है नॉर्थ में। और साउथ में वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं वलोनिया, वहां पे कौन से मतलब वो बोली जाती है, दैट इज फ्रेंच, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था यहां से जर्मनी टच होती है, इधर लग्जमबर्ग है, तो यहां पे 1% जो पीपल है वो जर्मनी बोलते हैं, आप 1% याद रखेंगे। यहीं पे मैं आपको एक आपका 9th क्लास का, या आपको वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि वर्क फोर्स है ना, यानी जो वर्किंग क्लास किसको बोला जाता है, कौन सी एज ग्रुप से कौन सी एज ग्रुप के लोगों को माना जाता है कि वो काम करने के योग्य हैं, आपने 9th में पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, तो 15 to 59 के बीच का जो एज ग्रुप है उसको वर्क फोर्स माना जाता है, राइट। वर्कफोर्स आप कहेंगे सर आपने इकोनॉमिक्स कहां से बीच में आ गई, तो वहां पे कितना है 59 दोनों FF मतलब 15 से हैं, तो ये जो डच पीपल है ये 59 है ना, एफ वर्कफोर्स फ्लेमिश रीजन में कितने मतलब कितने परसेंट है फ्लेमिश रीजन में जो डच स्पीकिंग पीपल है वो कितने परसेंट है, 59। 1% कौन है, जर्मनी, बाकी क्या रह गया 100 अगर हम इसको मान के चलते हैं 40%, तो 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। तो यानी कि अभी मैंने आपको पूरे बेल्जियम की डेमोग्राफी को समझाने की कोशिश की है। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखोगे प्यारे बच्चों कि जो बेल्जियम की कैपिटल है जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, दैट इज ब्रुसेल्स, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको जस्ट एक वो बताता हूं कि मान लो कभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास में और एकदम से प्रिंसिपल आ जाए और प्रिंसिपल सोचे कि चलो जरा बच्चों का टेस्ट लेते हैं और वो कहें कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो पावर शेयरिंग चल रहा है, और वो पूछ लें आपसे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो आपको ये नहीं बोलना है ब्रुसेल्स, आपको बोलना है ब्रुसेल्स। उससे क्या होगा, जो आपका स्लाइवा है वो काफी दूर तक जाएगा और फिर जो भी प्रिंसिपल वो कहेंगे अच्छा अच्छा ओके ठीक है इट्स ओके, है ना। तो ब्रुसेल्स, तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, राइट। तो आप इसको याद रखेंगे। और जो ब्रुसेल्स है ये फ्लेमिश रीजन में आता है, आप देखेंगे ना ये जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है फ्लेमिश रीजन में। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं इसके बारे में, डेमोग्राफी को जब आप समझेंगे, जब हमने देखा कि पूरे जब हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा 59% है जो डच बोलते हैं ना फ्लेमिश रीजन में, और फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में, राइट, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो माइनॉरिटी में 40%, और जर्मनी तो बिल्कुल ही 1% है। जब हम इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, ये तो हमने देखा पूरा बेल्जियम का, अब हम आते हैं ब्रुसेल्स पे। ब्रुसेल्स पे जब हम आते हैं पहले बच्चों, तो ब्रुसेल्स की जो डेमोग्राफी है वो टोटली डिफरेंट है। उसमें क्या है, ये जो है माइनॉरिटी में वो मेजॉरिटी में हो गया, कितना 80% जो है ब्रुसेल्स में कौन रहता है, फ्रेंच, और 20% डच। यानी नेशनल लेवल पे जब आप देख रहे हो तो डच ज्यादा है, लेकिन जब आप कैपिटल में उनकी पॉपुलेशन देख रहे हो तो वो काफी कम है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है, मैं इसलिए इसके ऊपर आपको काफी मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 80% फ्रेंच है 20% डच है, इट इज राइट और रॉन्ग, तो अगर हमें ये पता होगा तो वी विल पुट राइट, है ना, और हमें 1 मार्क हमें फ्री का मिल जाएगा। तो एथनिक कंपोजिशन जब हम पूरे की देख रहे हैं तो डच ज्यादा है, लेकिन जब हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो उसका एकदम अपोजिट हो जाता है, 80-20 का रेशियो हो जाता है, 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% जो है वो डच स्पीकिंग है। तो यहां का आपने एथनिक कंपोजिशन देखा कि कितना मतलब एक तरीके से बड़ा मुश्किल है, बड़ा इसमें मतलब कॉम्प्लेक्स है बड़ा, है ना। जब हम नेशनल लेवल पे देख रहे हैं तो कुछ और उसमें देख रहे हैं, तो इन्होंने किस तरीके से अपनी पावर को शेयर किया होगा ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ, जिसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप्स ऑफ इंडिया। यहां पे मैं एक बार इसको रिवाइज रिकैप कर लेते हैं। आपने देखा साइज स्मॉलर देन हरियाणा, पॉपुलेशन 1 करोड़, नेबरिंग कंट्री नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस एंड जर्मनी। एथनिक कंपोजिशन, आई होप यू अंडरस्टैंड, एथनिक कंपोजिशन 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं जो डच स्पीकिंग है,
40% बोलोनिया रीजन में रहते हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग है, और 1% जो बिल्कुल ईस्ट में जो जर्मनी से टच होता है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल है। और कैपिटल में क्या है, जो एथनिक कंपोजिशन कैपिटल में क्या है, दैट इज 80% फ्रेंच एंड 20% डच। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे, इनका रिजल्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ, ट्रेड ड्रॉप ऑफ इंडिया। इसकी कैपिटल क्या है, वैसे तो इसकी कैपिटल बोला जाता है कोलंबो, लेकिन अब इसकी कैपिटल चेंज हो गई है, दैट इज श्री जया वार देना पुरा कोटे। श्री जया वार देना पुरा कोटे इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, है ना। तो ये आपको मतलब कोशिश करें आप इसको याद करने की, श्री जया वार देना पुरा कोटे। जब हम इसमें देखते हैं पहले बच्चों, तो यहां पर हम देखते हैं कि सिन्हालाज, है ना, जैसे हिंदू है मुस्लिम है, सिन्हालाज कम्युनिटी जो है वो 74% है। ये वाला जो पूरा एरिया है ये सिन्हालाओं से भरा हुआ है, और ये जो ये वाला एरिया है ये तमिल से भरा हुआ है, तमिल तमिल, है ना। LTTE का आपने नाम सुना होगा, मैं उसके बारे में कभी आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है। ये वाला है तमिल, राइट, जहां पे तमिल लोग जाते हैं। 74% है सिन्हालाज जिनका धर्म है बुद्धिस्ट, है ना। वो बुद्धिस्ट, जैसे हम हिंदू है मुस्लिम है, तो वो कौन से रिलीजन को मानते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं। सिन्हालाज कौन से उनको मानते हैं, बुद्धिज्म को। कितने परसेंट है, 74% है टोटल अगर पॉपुलेशन देखें हम श्रीलंका की। और ये वाला जो एरिया यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में आप देख रहे हैं, ये सारे तमिल, ये कितनी है इनकी, 18% इनकी पॉपुलेशन है। अब जब हम तमिल श्रीलंकन्स को देखते हैं, तो प्यारे बच्चों ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको पता है जब भारत गुलाम था तो हमारे यहां से प्लांटेशन वर्कर वहां पे गए, जो तमिल थे, तमिलनाडु से जब वहां पे गए उनको ले जाया गया, तो वो वहां जाके बस गए। तो जो टोटल 18% जो तमिल्स हैं, उसमें से 13% तो तमिल वो हैं जो इंडिजीनियस है, यानी कि जो वहां के लोकल है, जो वहां के नेटिव है, श्रीलंकन तमिल्स हैं। और 5% ऐसे हैं, जब हम 18 को 13 उधर गोगे तो कितने बचे, 5% वो है जो इंडियन तमिल्स हैं। और इनका जो रिलीजन है ये हिंदू भी है या मुस्लिम है, दे आर नॉट बुद्धिस्ट, ठीक है। आप देख रहे हैं ना एथनिक कंपोजिशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा सिन्हाला 74% है वो बुद्धिस्ट है, तमिल जो है वो 18% है, लेकिन फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वन इज श्रीलंकन तमिल्स जो 13% है, और अनदर वन इज इंडियन तमिल जो 5% है। और उनका रिलीजन कौन सा है, दे आर हिंदू और मुस्लिम। 7% क्रिश्चियंस हैं यहाँ पे, और जो क्रिश्चियंस हैं ये बहुत तमिल भी हैं और सिन्हालाज भी, मतलब तमिल भी बोलते हैं सिन्हालाज भी बोलते हैं, राइट। 7% और 1% जो वो अदर, है ना, जिनका कोई इतना वो नहीं है कि हम उसको बताएं। जैसे आप किसी भी डेमोग्राफी को आप देखेंगे तो कुछ परसेंट अदर होते हैं। तो ये हमने जानने की कोशिश की श्रीलंका के बारे में कि उसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है। अब इन दोनों कंट्रीज ने अपने पावर को किस तरीके से शेयर किया और उसका क्या रिजल्ट निकला, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे दोनों के बारे में। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको बेल्जियम, उसकी कैपिटल और उसके आसपास की कैपिटल जो है वो स्टेट्स के बारे में, कंट्रीज के बारे में, और उनकी कैपिटल्स आप जरूर याद रखेंगे या करेंगे। और मैं आपको एक चीज की एश्योरेंस देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि जब हम 10th के एंड तक पहुंचेंगे तो आपको लगभग 80% ऑफ कंट्रीज एंड देयर कैपिटल विल बी लर्न, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, दिस इज फॉर योर क्लिक। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। गुड लक, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।